तो गाइस सर आज एक बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन, मैं अपनी दोस्त को लेके जा रहा हूँ एक मस्त से रेस्टोरेंट पे और आज हम साथ में बैठ के लंच करेंगे। और इस रेस्टोरेंट पे अभी हम यहाँ पे आ भी चुके हैं, ये रेस्टोरेंट मुझे पता चला अभी नया नया खुला है और बहुत ही ज्यादा मस्त है। तो गाइस सर मैं अपनी दोस्त के साथ आया हूँ, मतलब मेरा मतलब है दोस्त नहीं के साथ आया हूँ। चलो चलो फटाफट से रेस्टोरेंट में चलते हैं। चलो चलो फ्रैंकलिन, बहुत मजा आएंगे। हाँ बहुत मजा आएंगे। अरे सर ये क्या कपड़े पहन के आए हो? ऐसे कपड़े अलाउड नहीं हमारे रेस्टोरेंट में। क्या अलाउड नहीं है? क्यों अलाउड नहीं है? अरे सर ऐसे बनियान में कौन आता है, कपड़े पहन क्या होना? अरे वो तो मैं भूल गया। ओके सर इस बार सारे इधर आओ, अगली बार से ऐसे मत आना। हाँ अगली बार से जाऊंगा, आओ चले। अरे मैंने तो पहले ही बोला था अच्छा सूट पहन लो। अरे सूट के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, आओ फटाफट से चलते हैं। हेलो सर मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? टेबल चाहिए दो जनों के लिए। आइए सर इस टेबल बैठ जाइए। ठीक है चलो आओ फटाफट से बैठ जाते हैं। बोलिए सर आप क्या खाना पसंद करेंगे? मुझे चाहिए इटालियन पास्ता, बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक विद फ्राइज एंड साइड एंड द मेयोनीज एंड द डिप। अरे आज रेस्टोरेंट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है, यहाँ पे तो मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। अरे ये क्या फेंकी भी है? अरे फेंकी भी है? अरे फेंकी भी है? आप इधर कैसे? शिनचैन तू, अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे फेंकी भी है? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अबे मैं तो अपने दोस्त के साथ खाना खाने आया था। अरे फेंकी भी है? आप यहाँ पे खाना नहीं खा सकते। अबे क्यों नहीं खा सकता, तेरा रेस्टोरेंट क्या है? आ नहीं तो क्या फेंकी भी, ये मेरा रेस्टोरेंट है। क्या तेरे पास रेस्टोरेंट भी है? अरे फेंकी भी है? आ नहीं तो क्या, ये मेरा ही रेस्टोरेंट है, पूछ लो इनसे। और अंकल ये इसका रेस्टोरेंट है क्या? जी सर ये इन्हीं का रेस्टोरेंट है। क्या शिनचैन तेरे पास रेस्टोरेंट कब खरीदा तूने? अरे फेंकी मैं तो रोज कुछ ना कुछ खरीदते रहता हूँ, आप यहाँ पे क्यों आए हो? अरे मैं तो यार बस खाना खाने आया था। अरे फेंकी मैं आपको पता कितना बिल आता है यहाँ पे? अबे कितना भी आता हूँ मैं, पैसा बहुत है। अरे फेंकी मैं एक बर्गर का $5,000। $5,000? अरे फेंकी मैंने बोला था आप नहीं खा सकते। क्या बेबी तुम मुझे यहाँ पे खाना नहीं खिला सकते? अरे बेबी बाढ़ पे गया, इतना महंगा कौन खाना खाता है? चलो अपन किसी यार चाय की टपरी पे जाके चाय पीते। नहीं मुझे इधर ही खाना खाना है, मुझे इधर ही खाना खाना है। अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा गरीब हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं घूमूंगी, निकलो यहाँ से। मैंने सोचा था बस तुम्हारे पास गाड़ी अच्छी नहीं है, तुम्हारे पास तो सही में पैसे नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, मैं जा रही हूँ। अरे फेंकी मैं वो दीदी तो आपको छोड़ के चलेगी। अबे शिनचैन ये सब तेरी वजह से हुआ है, वो मुझे छोड़ के चलेगी। और इतना महंगा रेस्टोरेंट कौन बनाता है? अरे फेंकी मैं बनाता हूँ। अबे कोई नहीं आएगा तेरे रेस्टोरेंट में। अरे फेंकी पीछे तो देखो। अरे यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। अबे यार ये कौन से लोग हैं, इतना सारा महंगा महंगा रेस्टोरेंट में कौन आता है? अरे विकी मैम निकलो ऐसे। अबे शिनचैन मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना, मुझे डिस्काउंट दे देना। अरे विकी मैम कितने डिस्काउंट चाहिए? मुझे चाहिए 95% डिस्काउंट। अरे विकी मैम क्या 95%? निकलो ऐसे वरना सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगा। अबे सिक्योरिटी को मत बुला प्लीज यार, डिस्काउंट दे दे। सिक्योरिटी सर आपको कोई दिक्कत है क्या, निकल जाइए यहाँ से। सिक्योरिटी इनको बाहर निकाल के फेंक दो। अरे रुक जा, फेंकने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कौन से लोग यहाँ पे आते हैं। अबे सब निकलो ऐसे, बहुत ही रेस्टोरेंट लूट लेंगे तुमको। अरे सिक्योरिटी मारो उसको। अरे जा रहा हूँ यहाँ पे वापस कभी मत आना। हाँ नहीं आऊंगा, इतने गंदे रेस्टोरेंट पे आएगा भी कौन? अरे यार मेरे को छोड़ के चली गई मेरी दोस्त नहीं, अब मैं क्या करूंगा? इतना ज्यादा महंगा रेस्टोरेंट, मुझे नहीं पता था कि शिनचैन का रेस्टोरेंट होगा, और इतना ज्यादा महंगा कि एक बर्गर $5,000 का। और वो मेरी जो दोस्त नहीं थी वो तो इतनी सारी चीजें मंगा रही थी, अच्छा उसने मंगाया नहीं, वरना बहुत सारे पैसे देने पड़ते। ये शिनचैन तो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, मैंने उसको बोला थोड़ा सा डिस्काउंट दे दे, उसने भी बोला डिस्काउंट नहीं देगा, कैसा है यार ये शिनचैन। चलो यार अपन यहाँ से चलते हैं, नई दोस्ती ढूंढनी पड़ेगी लगता है अब। तो रेस्टोरेंट तो हम जा नहीं पाए, लगता है टैक्सी की जॉब ही करनी पड़ेगी। पर पता नहीं यार किस जन ने इतनी दूर ऊपर टैक्सी बोला, मेरा पेट्रोल भी खत्म होने वाला है, इसको फटाफट से फोन करते, देखते यार वो कब आएगा। हाँ हेलो भैया कहाँ पे हो? मैं आ गया। क्या चले गए, कहाँ चले गए? अरे अंकल मैं इतना दूर आया था पेट्रोल चला के। अरे यार ऐसा तो ना होता है, अभी मैंने अपने कस्टमर को फोन किया, उसने बोला कि वो पैदल ही घर चला गया। अबे इतना दूर है अपने टैक्सी को लेके आता इतना सारा पेट्रोल खपा के, और यहाँ पे तो जा ही चुका है, पर अब यहाँ पे आ ही चुके हैं, थोड़ा व्यू को एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ी सांस ले लेते हैं। आज तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया उस रेस्टोरेंट में। मुझे बचाओ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये आवाज तो पहाड़ के ऊपर से आ रही है, रुको मुझे देखना पड़ेगा, लगता है किसी को जरूरत है। आ रहा हूँ मैं। मुझे बचाओ। अरे यहीं से कहीं से आवाज आ रही, क्या चल रहा है? अरे ये कौन है? मुझे बचा लो। अरे भाई साहब मुझे बचा लो, मेरे पास इतने सारे शेर आ चुके हैं। क्या शेर? अरे मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कैसे बचो, क्या करूँ? रुको मेरे पास आइडिया है, शेर इधर देखो। तू। अरे भाई साहब ये क्या करो, कुत्ते तो ना है। अरे तो क्या करूं, मैं तो ना रोज शेरों से बात करता हूँ। अरे ये तो मेरी तरफ आ रहे। अरे मैंने क्या किया? भागो। अरे क्या करा मैंने, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अरे भागो ऐसे। अरे ये लोग तो मेरे पीछे लग गए, भागो। इतने सारे शेर मेरे पीछे पड़ गए, मुझे बचाओ। अरे अंकल मुझे बचा लो। अरे बेटा मैं तो खुद मदद मांग रहा था। अरे मैं तो अंकल की मदद करने आया था, अब तो मुझे मदद की जरूरत है, भागो यहाँ से। अंकल अंकल अरे भैया मुझे बचा लो, इतने सारे शेर मैं क्या करूंगा,
रुको, मेरे पास एक आइडिया, इधर चल जाता हूँ। बच गया, इधर ये शेर नहीं आ पाएंगे। अरे भाई बच गया, ये शेर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो भाई सर, अभी यहाँ पे शाम हो चुकी है पूरी की पूरी, और अभी तक एक शेर और बाकी सारे तो चले गए भूखे, पर ये अभी तक यहाँ बैठे। जा जा जा। और गाइस सर, ये क्या, आखिरकार ये भी चला गया। मैंने तो सोचा था आज ये मेरे को खाई जाएंगे, पर ये भी चला गया। आखिरकार जो आखिरी शेर था वो भी जा चुका है। अब लगता है मैं भी घर पे जा सकता हूँ। चलो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और एक बार उस अंकल से ही बात कर लेता हूँ। देखो यार वो क्या कर रहे हैं, अभी तक यहीं पे है क्या अंकल? अरे अंकल तो अभी भी इधर ही है। बच्चे बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे बचा लिया। अरे अंकल कोई बात नहीं, पर आप अभी तक इधर क्यों? बच्चे मैं यहाँ पे बहुत ही खतरनाक पूजा कर रहा था, जिससे मैं लॉस सैंटोस का सबसे खतरनाक प्राणी बन जाऊं। क्या ऐसी कोई पूजा नहीं होती अंकल? चलो रात हो गई, अब यहाँ से निकलते हैं। नहीं नहीं बच्चा ही, मैं यहाँ पे 20 साल से हूँ, अब बस मुझे 20 साल और रहना है, फिर मैं बन जाऊंगा लॉस सैंटोस का सबसे खतरनाक आदमी। क्या आप यहाँ पे 20 साल से हो? अरे हाँ बच्चा ही। और बच्चे तूने मेरी मदद करी थी, इसलिए मैंने सोचा है आधी शक्तियाँ मैं तुझे दूंगा। अरे पर 20 साल बाद दोगे ना, अभी क्या मतलब है? नहीं नहीं बच्चे, आज तक मुझे जितनी शक्तियाँ मिली है उतनी दूंगा। क्या मतलब? बच्चे अभी दिखाता हूँ। ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम आइसक्रीम। अरे अंकल मैं हवा कैसे जा रहा हूँ? बच्चे बस तुम देखते जाओ। अरे अंकल क्या दिखाओगे, ऊपर से फेंकोगे क्या? बचाओ! अरे अंकल मैंने बोला था मुझे फेंकने मत। अरे बच्चे अब तुम बन चुके हो लॉस सैंटोस के सबसे खतरनाक प्राणी। अरे वो तो आप बनने वाले थे ना 20 साल बाद। नहीं नहीं बच्चे, मतलब सेकंड सबसे खतरनाक प्राणी। इस गाड़ी को छू के दिखाओ। गाड़ी को छू के दिखाओ, उससे क्या होगा? ये लो बच्चे, तुम्हारी गाड़ी बन गई कचरे का डिब्बा। क्या ये कैसे हो सकता है? अरे मेरी गाड़ी का चली गई। अरे मैंने अपनी गाड़ी को छुआ और ये गाड़ी मेरा कचरे का डिब्बा बन गई। अरे अंकल ये क्या किया आपने? नहीं नहीं बच्चे मुझे मत छूना, वरना मैं भी कचरा बन सकता हूँ। क्या आपने मुझे ऐसी शक्ति दी थी मैं किसी भी चीज को छूंगा वो कचरा बन जाएगी? नहीं नहीं बच्चे, तुम किसी भी चीज को छूओगे वो कुछ भी बन सकती है। वो गोल्ड हो सकता है, चांदी हो सकता है, सोना हो सकता है। गोल्ड और सोना एक ही होता है? अरे मेरा मतलब है तुम कुछ भी कर सकते हो। जाओ पूरे लॉस सैंटोस में जितनी चीज के सबको छू दो, कुछ ना कुछ तो तुम्हें अच्छा जरूर मिलेगा। अरे अंकल क्या पागल बना रहे हो, मेरी इतनी अच्छी सी गाड़ी को उन्होंने कचरे का डब्बा बना दिया। अंकल आप पागल हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अब तो पैदल ही चलना पड़ेगा। अरे गाइस मेरी गाड़ी बन चुकी है कचरे का डब्बा और मुझे लगता है अब घर ही पैदल ही जाना पड़ेगा। ये अंकल यार पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। पर मैं सोच रहा हूँ अगर ये सही में सच हुआ तो अगर मैं इस पत्थर को छू और ये बहुत सारा गोल्ड बन जाए तो चलो इसको छू के देखते हैं। अरे ये क्या हुआ, अरे ये गोल्ड तो नहीं बनी पर ये पत्थर गाड़ी जरूर बन गया। अरे गाइस मुझे लगता है बाबा बिल्कुल सही कह रहे थे, मैंने पत्थर को छुआ और मुझे यहाँ पे गाड़ी मिल चुकी है। और ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर्स है। तो गाइस इन पावर्स से तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पर अभी नहीं करेंगे क्योंकि रात होने वाली है। अभी मैं जाता हूँ सोता हूँ, फिर आपसे सुबह मिलता हूँ। अरे ये क्या हो गया, अरे मैंने चौक को गाय बना दिया। भागो, ये क्या कर दिया मैंने, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से, गलती से चौक को गाय बना दिया। चलो फटाफट से निकलते हैं। मेरी गाड़ी, अरे मेरी गाड़ी कहाँ चली गई? लगता है मैंने अपनी गाड़ी को भी टच कर दिया था और वो पत्थर बन चुकी है। अरे यार ये तो बहुत ही दिक्कत है, पर ये अच्छी चीज भी है। रुको एक काम करते हैं, इस डस्टबिन को टच करके देखते हैं मुझे क्या मिलने वाला है। एक दो तीन। अरे काइजर अभी आप देख सकते हो, तीन डस्टबिन को टच किया तो पहले में से एक और डस्टबिन निकला है पर अलग तरह का, और दूसरे में मिली खतरनाक सी भाई, और तीसरे में पता नहीं क्यों मुझे एम्बुलेंस मिल चुकी है। ठीक है मतलब एम्बुलेंस चलाने में मजा आता है। तो काइजर अभी यार बहुत ही ज्यादा सही में अच्छी अच्छी मुझे शक्तियां मिल चुकी है, तो अभी मैंने डस्टबिन को टच करके बना दिया एम्बुलेंस और अभी हम जाने वाले हैं बहुत ही ज्यादा मरने वाले। अब तुम लॉस सैंटोस के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं अगर मैं बिल्कुल सही से सारी चीजों को छू और सब में गोल्ड पैसा डायमंड मिले तो बहुत ही ज्यादा आने वाले। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं। तो गाइस अभी हम शिनचैंग के रेस्टोरेंट पर पहुंचने वाले हैं, फटाफट से यहाँ से उतरते हैं। अरे सर आपको बोला था ना आप इधर नहीं आ सकते, और ऐसे कपड़ों में तो बिल्कुल भी नहीं। अबे चुप रहे यार मेरे को जाने दे, वरना टच करके देखो गरीब बना दूंगा। तो गाइस अभी हम शिनचैंग के रेस्टोरेंट पे आ चुके हैं। एनीवे की मैं आपको बोला था ना हमारे रेस्टोरेंट में अलाउड नहीं है, सिक्योरिटी मारो इसको। सिक्योरिटी अभी ले। और गाइस अभी आप देखो सिक्योरिटी को मैंने बिल्ली बना दिया। एनीवे की मैं ये क्या किया, इसको बिल्ली क्यों बना दिया? अबे शिनचैंग चुपचाप बैठ जा वरना तेरे को बिल्ली बना दूंगा। किस चीज में सब ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, सब टच कर दूंगा, हट जाओ की।
बे ये क्या गेम ने? और गाइस अभी आप देख सकते हो सारे के सारा इसका रेस्टोरेंट बन चुका है एक भंगार में। अरे बेगी मैं ये कैसे कर दिया, ये क्या कर दिया? और गाइस जितने भी कस्टमर थे, वेटर्स थे और काम करने वाले थे ना, वो देखो भाई क्या क्या बन गए। अब शिनचैन सिर्फ तू बचा है, मैं तेरे को टच करके बनाने वाला हूँ छोटा सा चूहा। नहीं नहीं बेगी मैं ऐसे मत करो, मैं ऐसे मत करो। अरे ठीक है नहीं कर रहा, रो मत। और शिनचैन बता, तूने मुझे रेस्टोरेंट से बाहर भगाया था ना, अब बता क्या करेगा? अरे बेगी मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे मत करो बेगी मैं, प्लीज मत टच मत करना, मेरा रेस्टोरेंट मुझे वापस दे दो। रेस्टोरेंट तो तुझे कभी वापस नहीं मिलने वाला। और अब मैं यहाँ पे जितनी चीजें ना उन सब चीजों को टच करके इतना ज्यादा अमीर होने वाला हूँ ना। अरे वेकी मैं, पर ये सब हुआ कैसे? ये सब हुआ कैसे, ये तो बहुत ही लंबी स्टोरी है। जब वीडियो है ना तब देख लेना और लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वरना तुझे टच कर दूंगा। नहीं वेकी मैं लाइक और सब्सक्राइब कर दूंगा। अरे गाइस अभी फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, वरना वेकी मैं आपको चूहा बना देंगे। तो गाइस अभी मैं सारी की सारी चीजें टच करने वाला हूं, यहां पे जितनी चीजें मिलने वाली है, फिर देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। थोड़ा गंदा मिलेगा पर थोड़ा अच्छा भी तो मिलेगा, गोल्ड डायमंड जो भी मिलेगा उन सबको लेके बहुत ही ज्यादा अमीर बनने वाले। तो जितनी चीजें मिलेगी उन सबको टच करने वाला हूँ मैं। अरे वेकी मैं प्लीज मुझे अपने साथ देख लो। अबे नहीं नहीं मैं अपने साथ नहीं रखूंगा तुझे। अरे वेकी प्लीज रख लो, प्लीज 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 वेकी मैं, प्लीज प्लीज। अरे गाइस ये माथा खा रहा है मेरा। अरे वेकी प्लीज 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 मैं लाइक और सब्सक्राइब करूंगा पांच पांच फोन से, पांच पांच फोन से लाइक और सब्सक्राइब करूंगा। अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ रह लियो। अरे थैंक यू वेकी मैं, मैं भी खास नहीं, अबे तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं। तो गाइस मैंने सोचा था कि यार बहुत सारे पैसा गोल्ड डायमंड जमा करके एक नया घर लूंगा, पर मेरे पास फिर एक आईडिया आया। अगर मैं एक यार नॉर्मल से गंदे से दिखने वाले घर को टच करूं तो क्या वो ट्रांसफॉर्म होगा एक खतरनाक से घर में? आओ पता करते हैं। तो गाइस अभी इस वाले घर को मैं टच करने वाला हूं, फिर देखते हैं क्या होने वाला है। अब देखो कितना ज्यादा गंदा ये घर है, पर इसको टच करने के बाद ये गंदा बिल्कुल भी रहने वाला। चलो फटाफट इसको टच करते हैं। शिनचैन मेरे साथ है, आप मेरे साथ हो, फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। 3 2 1 गो। अरे बेकी मैं देखो कहां पे है। ये कौन सी जगह, ये तो पूरी जगह चेंज हो गई। अरे गाइसर नीचे तो पानी है, नीचे तो झरना है और ये लगता है हमारा नया घर है। अरे गाइसर चलो फटाफट से देखते हैं, और पीछे हमारा गोल्डन हेलीकॉप्टर भी खड़ा है। तो गाइसर लगता है हमारा काम हो गया, हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। मैंने उस गंदे से घर को टच किया और ये बहुत ही ज्यादा तगड़े मॉडर्न मेंशन में कन्वर्ट हो चुका है। तो गाइसर आप देख लो यहाँ पे मस्त डाइनिंग टेबल है और यहाँ बड़ा सा सोफा लगा हुआ है पानी के ऊपर, और इधर जो कांच है उसके नीचे देखो ऐसे पानी बहता है, और सामने कितनी मस्त लेके ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो वाला घर तो बहुत ही ज्यादा अपग्रेड हो गया, पहले वो कितना ज्यादा गंदा था अब कितना ज्यादा अच्छा हो चुका है। और गाइस हमारे पास सिर्फ एक फ्लोर नहीं, दो दो फ्लोर का ये घर है। अभी हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे। अभी आप देखो यहाँ पे मस्त सोफा लगा बैठने के लिए, सामने टीवी देखो फुल मजे करो, और यहाँ पे मेरा बेडरूम है। क्या मुझे नहीं पता था यहाँ पे और ऊपर आने का रास्ता है। अरे गाइस यहाँ पे तो स्विमिंग पूल भी है, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। अरे सामने पूरा झरना बह रहा है पर यहाँ पे एक और स्विमिंग पूल, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गाइस ये घर तो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा, फटाफट से कमेंट करके बताओ ये घर आपको कैसा लगा। मुझे तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा हमारे गोल्डन से हेलीकॉप्टर में मस्त घूमने। शिनचैन कैसा लगा घर? तो बहुत ही खतरनाक है, खतरनाक है ना। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको ये घर। मुझे तो बहुत ही ज्यादा मस्त लगा, झरने के ऊपर ये घर सही में बहुत ज्यादा अच्छा है। और गाइस अभी भी बस वो पावर से हम किसी भी चीज को टच कर रहे हैं तो वो कुछ भी बन जा रही है। आप यार फटाफट से कमेंट करके बताओ किस किस की चीज को टच करें और वो क्या क्या बन जाएगी, फटाफट से कमेंट में बताना। और गाइस आज की वीडियो से अगर आपको आज की वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं वीडियो फटाफट से कमेंट करके बताओ। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाकर जाना फॉलो करना। और गाइस मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं जा रहा हूं पानी में डुबकी मारने।